चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें करीब 22 बिंदुओं पर मंथन हुआ। कैबिनेट की बैठक में जिन बड़े फैसलों पर मुहर लगी, उनमें मुख्यमंत्री ने जनसंवाद पोर्टल का शुभारंभ किया। 12 जून से एक्साइज पॉलिसी फिर से शुरू होगी। पॉलिसी अगले साल 11 जून 2023 तक लागू रहेगी। शराब की कीमतों में 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी होगी। कुरुक्षेत्र पंचकुला मनसा देवी माता इलाके में शराब ठेके बंद होंगे। जिस गांव में गुरुकुल होगा वहां शराब ठेके नहीं खुलेंगे। इस साल 11,000 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट का लक्ष्य रखा गया है। इस बार 2400 रिटेल की दुकानें होंगी। रिटेल परमिट फीस में इन्वायरमेंटल एंड एनिमल वेलफेयर फंड जोड़ा जाएगा। पुलिस वेलफेयर फंड के अंतर्गत आने वाले 2 फंड निरस्त किए गए। गांव में ग्राम सचिवों की संख्या बढ़ाकर 4,487 की गई। सबसे वरिष्ठ को ही महाग्राम सचिव बनाया जाएगा। 6 नए सब डिवीजन बनाए गए हैं। HSMIDC के रिटायर्ड कर्मचारियों को 6 से 20,000 मानदेय दिया जाएगा। एग्री बिजनेस फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में 25 योजनाएं स्थापित होंगी। इंडस्ट्रियल कॉलोनी में 5% मिक्स लैंड का प्रावधान होगा। रोहतक में पहरावर की जमीन 2056 तक लीज पर दी गई। स्थानीय निकायों में BCAA के आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट मीटिंग में एजेंडा के 22 विषय थे और उस 22 विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो हर वर्ष की भांति वो रहता है एक्साइज पॉलिसी। तो एक्साइज पॉलिसी हर साल बनती है, ये पहले तो 31 मार्च तक बना करती थी, लेकिन कोविड में इसका कुछ समय परिवर्तन हुआ था, उस नाते से अब ये हर वर्ष की पॉलिसी जून 11 तक ख़त्म होती है। जून 12 से नई पॉलिसी शुरू होती है, तो जून 12 से नई पॉलिसी शुरू होगी। आज अभी एक महीने का समय जो है इस पॉलिसी के हिसाब से अब उनकी ऑक्शन होनी है या जो वेंडर्स तय करने हैं उस सारी प्रोसेस में लगेगा, और नया जो वर्ष है इस एक्साइज पॉलिसी का वो 12 जून से अगले साल की 11 जून तक ये रहेगा। और उसमें मुख्य रूप से जो चीज़ें आज तय की गई हैं उसमें पहला विषय तो यही है कि हमारा जो पिछले वर्ष का यानी वर्ष भर का जो टारगेट था रेवेन्यू का, पहली बार वो 10,000 करोड़ रुपया पार होने जा रहा है, क्योंकि अभी उसमें एक महीना बाकी है, तो उस एक महीने का जो एवरेज के हिसाब से 10,000 करोड़ रुपये से लगभग 10,500 करोड़ रुपये पहुँच जाएगा, और पहली बार ये 10,000 करोड़ से ऊपर होगा। 2014-15 में जब हम सत्ता हमने संभाली थी उस समय ये लगभग 3200 करोड़ था, यानी 3 गुना से भी ज़्यादा ये रेवेन्यू हुआ है। और अगर मैं पिछले 5 साल की बात करता हूँ तो ये 5 साल में भी दुगुना हो गया है, उस समय भी लगभग 5,500 करोड़ था, तो ये दुगने के आसपास 5 साल में यानी पहुँचा है। 5 साल यानी ये अब से 5 साल यानी ये है 2023 का, तो 2018 का यानी पिछली टर्म से भी 1 साल पहले का, तो एक अच्छी जो हमारी प्रोग्रेस है, प्रगति है, इसमें से ही व्यवस्थाओं को पता लगता है कि व्यवस्थाएं हमने खूब अच्छी की हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले की जानकारी के साथ ही अपने आगामी प्रवास की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 13 से 15 मई तक सिरसा में जनसंवाद कार्यक्रम कर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। वहीं द केरल स्टोरी पर बरपे हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म देखने के बाद ही प्रदेश में टैक्स फ्री पर विचार करेंगे। चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।